हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS फ्रांस T10 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके 12वें मैच के बारे में और आज के दिन के दूसरे मैच के बारे में। मैच खेला जाएगा पेरिस नाइट राइडर्स वर्सेस मिट्री के बीच। मैच की टाइमिंग 3 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होएगा। डेट 17 अप्रैल 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो डायरेक्ट स्पोर्ट क्रिकेट क्लब डायरेक्ट में मैच खेले जा रहे हैं। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल पिच है, जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 110 से लेकर 120 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड देखें इस सीजन में तो लगभग 10 मैच खेले जा चुके हैं कल तक, जिसमें से 5 मैच जीते थे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 4 मैच जीते थे बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने और 1 मैच बारिश की वजह से धुला था। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। मिट्री का 1 मैच चल रहा है अभी लाइव, ठीक है, तो उसमें जो बैटिंग ऑर्डर आया है उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। ठीक है, इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको सही से जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है और जो दूसरी टीम है उसके भी हम जो भी स्टैट्स मिले हम सभी प्लेयरों के लाने की कोशिश करी है। तो आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सही से जानकारी हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं अपन मिनिट्री के पहले प्लेयर के बारे में और लास्ट मैच के प्लेइंग जो अभी लाइव चल रहा है इसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। पहला प्लेयर ओपनिंग करने आया था अरसलान जफर, जिसने ODD के 11 मैच में 229 रन बनाए, अच्छा खासा रिकॉर्ड है और आपकी टीमों में होना चाहिए, आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा। और ओपनिंग करने इस मैच पहले मैच में आया और अच्छी पारी खेल रहा है। इसके बाद है मुस्तफ़ा उमर, जिसने T10 में 7 मैच में 107 रन बनाया 18 की एवरेज से, 6 ओवर की गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए, यह भी ओपनिंग करने आया था लेकिन यह जल्दी आउट हो गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इसको इग्नोर मत करना, सलेक्शन 86% है। ठीक है, इसके बाद है अहमद मुमताज, जिसको अपन ने कैप्टन बनाया और लगभग 20-25 रन की पारी इसने खेल लिया, अभी भी नॉट आउट है। T10 में इसने 4 मैच में 143 रन बनाए, 3 विकेट लिए, 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए, यानी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करके देगा, साथ ही आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा और इस मैच में कैप्टनसी का बहुत बढ़िया चॉइस है। ठीक है, इसके बाद है हसनैन यासिर, जिसने 3 मैच में 74 रन बनाए और नंबर 4 पर बल्लेबाजी दिखा रहा है, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सलेक्शन की बात करें हसनैन यासिर का तो सलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है मात्र 1%, ठीक है, लेकिन इसका रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है साफ परिखिल, जिसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था पहले मैच में, देखते कैसी परफॉर्मेंस करता है। इसके बाद हसनैन जफर, इसका भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था पहले मैच में, यह भी बैटिंग खेल रहा है तो देखते क्या करता है। इसके बाद है मोहम्मद अरसलान, जिसने ODD के 4 मैच खेले, 32 रन बनाए, पहला मैच अभी इसका चल रहा है। इसके बाद है साजिद उमर का, भी हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, पहले मैच के बाद ही इसके रिकॉर्ड का पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस करी है। ठीक है, इसके बाद है मोहम्मद शफीक, जिसने 4 मैच में 25 रन बनाए, 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट लिए। इसके बाद है अरसलान नूर, 4 मैच में 41 रन बनाए, 4 विकेट लिए, यानी आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए यह आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर है, बॉलिंग सेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद है फरात आजम, ठीक है, ये फरात आजम को सेलेक्ट कर लेते, जो जो प्लेइंग 11 में दिखाया उन सभी 11 प्लेयरों के मैंने स्टेट्स बता दिए और जिनके नहीं मिले तो जैसे ही इनका मैच कंप्लीट होएगा तो इस टीम ने क्या परफॉर्मेंस करी है वो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको पोस्ट कर देंगे कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए और कितने ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए कितने विकेट लिए। इसी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे तो आपको सभी चीज़ों के बारे में सही से जानकारी हो जाएगा इस टीम के बारे में, और जीती है कि टीम हारी है वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी है। बात करते हैं बेंच की, तो बेंच पर भी इनके खूब सारे प्लेयर हैं, तो इनमें से कोई भी अगर प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स हमने लिख रखे हैं और टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है। बात करते हैं दूसरी टीम पेरिस नाइट राइडर्स की, जिसका आज का दिन का पहला मैच है। इनों की तरफ से पहला प्लेयर है हाजी महमूद, जिसने T20 में 5 मैच खेले, 173 रन बनाए, 16 ओवर की गेंदबाजी करी है, 7 विकेट लिए, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और सलेक्शन की बात करें सलेक्शन इसका 95% है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं अपन। ठीक है, इसको सलेक्शन भी इसका आई और एक अच्छा खासा प्लेयर नज़र आ रहा है तो इसको अपन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है साकिल अहमद, जिसने T20 में 4 मैच में 42 रन बनाए, 12 ओवर की गेंदबाजी करी है, 5 विकेट लिए, यानी यह भी आपको गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा। सलेक्शन की बात करें साकिल अहमद का तो सलेक्शन अपने को देखने को मिल सकता है मात्र 0.92%, लेकिन बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, इसको इग्नोर मत करना आप। ठीक है, इसके बाद है MD हुसैन, जिसने 2 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट लिया है। इसके बाद है बसाजीत भूरा, जिसने 2 मैच में मात्र 8 रन बनाए। इसके बाद है आमिर भूरा, जिसने 5 मैच में 17 रन बनाए, 12 ओवर की गेंदबाजी करी, 7 विकेट लिया, यानी कन्फर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा सकता है। सलेक्शन की बात करें इस प्लेयर का तो सलेक्शन अपने को देखने को मिल सकता है इसका मात्र 1%, लेकिन आपको गेंदबाजी इस मैच में करवा के दे सकता है। ठीक है, इसके बाद है जरीरुल इस्लाम, जिसने 2 T20 मैच में 45 रन बनाए, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके सलेक्शन की बात करें सलेक्शन आपने को 89% देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद है आजम अहमद, जिसने 1 ही मैच खेला है T20 का, मात्र 1 रन बनाया। इसके बाद है जावेद जादरन, 1 मैच में 4 रन बनाए। इसके बाद है फ्रेडियन कपाल लेगबैक,
जिसने 5 मैच में 14 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 7 विकेट लिया, यानी एक अच्छा गेंदबाज लग रहा है, और T20 में 14 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 7 विकेट ले जा चुका है, तो इसको भी अपन ट्राई कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन इसका 92% है, ठीक है। इसके बाद है गुल महमूद, ने 2 मैच में 32 रन बनाए, 5 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, तो इसको भी आप चाहो तो ग्रैंड लीगों में ट्राई कर सकते हो अगर खेलता है तो। इसके बाद है वाहिद अहमद जाई, जिसने 5 T20 मैच में 46 रन बनाए, मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी करी है, लेकिन विकेट लग गया, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन देखोगे तो 94% है, लेकिन इसका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, तो ग्रैंड लीग में आप इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। इसके बाद है फहीम पिचाकन, जिसने 2 T20 मैच में 48 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, यानी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नज़र आ रहा है ये। इसके सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन आपके सामने इसका हाई है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके अलावा एक था फैट्रिक कैपलिकिन, तो अपन इसको भी सेलेक्ट करते थे। ये फैट्रिक जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है सभी को अपन ने सेलेक्ट कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी है, कि दोनों नई टीमें हैं, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सभी की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और पहला मैच जैसे ही खत्म होएगा, उसके जो भी बैटिंग और अपडेट होएगी, किस टीम ने कैसी परफॉर्मेंस करी, वो हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। MIT का एक मैच चालू है, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अपन को कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन टीम बना दी है इस मैच की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन का दावेदार अहमद मुमताज है, वाइस कैप्टन आप हाजी महमूद को बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपन वाइस कैप्टनसी का दावेदार देखें तो यहाँ से आप बना सकते हो एक तो फाइम को, ठीक है, फाइम भी एक वाइस कैप्टनसी का बढ़िया चॉइस है, इसको आपके वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा देखोगे तो अपन फैट्रिक को भी बना सकते हैं, फैट्रिक का भी रिकॉर्ड अच्छा नज़र आ रहा है, इसको भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो आमिर भूरा भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऊपर से साकिल अहमद और हाजी महमूद का रिकॉर्ड तो शानदार है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को ले लिया, फिलहाल अपन रिस्क नहीं लेते हुए हाजी महमूद को कैप्टन बनाएंगे, लेकिन यह भी जो टीम है यह खाली डेमो टीम है, क्योंकि दूसरी टीम एक टीम का मैच चल रहा है, दूसरी टीम का पहला मैच है, तो कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे और दूसरी पहली जो टीम जिसका मैच चल रहा है उस टीम में से कौन से प्लेयरों ने कैसी परफॉर्मेंस करी है, उस बेसिस पे हमारी टीम बन के तैयार होगी। इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी टीम प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।